शेखुपुरा में बट्टा मजदूरों ने हुकूमत की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत न मिलने पर लेबर वेलफेयर ऑफिस शेखुपुरा में भट्टा मालकान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाज करते हुए भट्टा मजदूरों का कहना था कि हमारा मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। बारहा मुतालबात के बावजूद भट्टा मालकान हुकूमत की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत देने से गुरेजा हैं। मुतालबा तस्लीम न किए गए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना होगा। इस मौके पर सदर भट्टा मजदूर फेडरेशन शेखुपुरा याकूब मसीह मुजाहद, चेयरमैन रोकस भट्टी, मेंबर वर्कर्स यकजहती कमेटी शेखुपुरा सेठ मोहम्मद अरशद, जनरल सेक्रेटरी रफीक मसीह, समाजी रहनुमा ताहर नदीम रामे, असलम गौरी, सेठ मोहम्मद अतीक, सेठ इफ्तिखार अली रजा खसूसी तौर पर इस एहतजाज में शरीक हुए। कोई इन्हें अमल दरामद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, बस मजदूर बेचारे आते हैं फिर घुर के चले जाते हैं। बरए मेहरबानी डीसी साहब अगे ये मुतालबा है साडा कि अगर साड़ी गल दे उत्ते अमल दरामद ना करवाया गया दोबारा से आके उन्होंने दफ्तर दे के धरना देंगे तो कहेंगे कि बाकी ऐसा होता है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें मिले 2185 रुपए वे इट बनाने वाले मजदूर का। उस तो बाद जेड़ा साडा भराई करता कच्ची भराई करता दोस्त ओदा 601 रुपए है। जेड़ा उस तो बाद जेड़े निकासी करता ओदा 468 रुपए वे। तो असी चाहवांगे महकमे दे नाल मिल के इनू यकीनी तौर पर अपने मजदूर का हक लैके दिता जाए। उस पर अमल दरामद कराना हमारी ड्यूटी है और उस पर हम 100% कोशिश करेंगे कि उस पर हर सूरत अमल दरामद, और जो वर्कर का राइट है उस पर हम कभी कंप्रोमाइज नहीं। अपने कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, फायरस्टोन न्यूज़, शेखुपुरा।